सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो अज की नवी वीडियो विच तुहाडा स्वागत आ। अज की जिहड़ी वीडियो आ वो सैकेंड पार्ट आ लास्ट वीडियो दा। जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जा मैं उन्होंने जिहड़ा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिहड़ा लिंक आ वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो अज असी आए हाँ हाल बाजार। हाल बाजार जिहड़ा टोटली अज बंद ही सीगा, तो वैसे जिहड़ा बाजार एवें बंद नहीं हुंदा, पर अज सारा बाजार बंद सीगा। तो क्योंकि घल्लूघारा दे दिन चल रहे सीगे, इस करके शायद जिहड़ा अज बाजार बंद सीगा। सो असी सोचा कि क्यों ना तुहाडे नाल जिहड़ी आ वीडियो थोड़ी जी हाल बाजार दी शेयर कर दिती जावे। सो इत्थे आ ये गेट बनिया होया आ, इस तो बाद जिहड़ा आ सारा रोड, ये जिहड़ा रोड सीधा श्री हरिमंदर साहिब नूं जांदा आ। तो असी थोड़ी जी जिहड़ी वीडियो रिकॉर्ड करके तुहाडे नाल शेयर करन दी कोशिश कीती आ। कैमरा जिहड़ा थोड़ा जिहा शेक कर रहा आ क्योंकि मेरे बेटे ने वीडियो बनाई सीगी, तो इस करके जिहड़ा उहदे कोलों शायद चंगी तरह रिकॉर्ड नहीं कीती गई। पापा ऐसे सामने गली जाती है ना, आओ कोई सामने है ना, इधर पैटी कुलचा मिलता है, बनावा हूँ असी आए हाँ गुरद्वारा बबेकसर। तो अज आ संडे, तो कल मंडे नूं जिहड़ा सीगा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म दिहाड़ा आ, जिहदे संबंध में जिहड़ा आ गुरद्वारा साहिब नूं सजाया गया आ, तो सरोवर नूं भी सजाया गया आ। ये आ बबेकसर सरोवर, तो अमृतसर का नाम जिहड़ा आ उहदा मतलब ही आ अमृत सरोवर की धरती, मतलब कि अमृत सरोवरां की धरती। सो इस करके जिहड़ा इस शहर का नाम पिया आ अमृतसर। तो अमृतसर विच मेन पंज सरोवर आ लागे लागे, पहला श्री हरिमंदर साहब सरोवर, दूसरा रामसर सरोवर, बबेकसर सरोवर, कौलसर सरोवर, तो संतोखसर सरोवर। ये पंज सरोवर जिहड़े आ ये लागे लागे आ, तो इन्हां दा अपना एक बहुत ही महत्व आ। सो ते इत्थे जिहड़ी आ पूरी डेकोरेशन चल रही सीगी, ते संगतां जिहड़ियां आ ओह सेवा कर रहियां सी। अच्छा
पानी थोड़ी इदा पाने चाहिए है सो ये आ हरकी पौड़ी ते इत्थों जिहड़ियां संगतां आ जल लैंदियां आ अमृतसर दे जिहड़े पंज मेन सरोवर आ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਬਣਵਾਈ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਧੋਤੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
मतलब कि असीं कदे भी वाल जड़े आ वो बिना तेल तो नहीं रखे। हेयर वॉश करन तो बाद केसां नूं धोण तो बाद जड़ा आ उसे वेले तेल लगा लईदा आ। अगर तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे वाल जड़े आ वो सेहतमंद होण, वाल तुहाडे सोहणे होण, चमकदार होण, ते अपने वालां नूं जड़ा आ वो तेल लाउणा बहुत जरूरी आ। वालां दी हैल्थ वास्ते, वालां नूं सेहतमंद रखण लई तेल जड़ा लगाउणा बहुत जरूरी आ। ते नैचुरल तेल ही हमेशा वरतो, कोई भी तेल वरतो पर नैचुरल वरतो। सरों का तेल वरत लो, नारियल का तेल वरत लो, औलिया का तेल वरत लो, सारे ही तेल जड़े आ वो वालों वास्ते बहुत ही वधिया आ, ते वालों नूं जड़ा आ वो सेहतमंद रखते आ। ते मेरे बच्चियां नूं भी आदत आ कि हेयर वॉश करन तो बाद जदों वाल सुक जांदे आ तो उन्हां नूं हुंदा है कि फटाफट जिहड़ा आ वो तेल लगा दिता जावे। मैं कदे भी अपने बच्चियां दे जिहड़े वाल आ बिना तेल तो नहीं रखे। ये सी मेरी आज दी वीडियो, ते मैनूं उम्मीद आ कि तुहानूं पसंद आई होगी। ते जे पसंद आई होवे ते प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सबसक्राइब, ते मैनूं कमेंट करके भी दस्सिओ कि तुहानूं वीडियो कहो जी लगी। मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच, तद तक लई सत श्री अकाल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।